दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आप लोग मुझे यहां क्यों लाए? आपको कुछ याद ही नहीं है ना? नहीं, सब में एक बात कॉमन है, इन सबको आपने मारा है। आपको फिर से काम पे लगना है, लेकिन इस बार आप सिर्फ हमारे लिए काम करें। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म बॉब विश्वास के बारे में। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन के एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। नमस्कार, बॉब विश्वास। सच में देखा जाए तो ट्रेलर में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग काफी शानदार लग रही है। वही बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। कहानी भी काफी हटके लग रही है। ये फिल्म विद्या बालन की थ्रिलर फिल्म कहानी की स्पिन ऑफ है, जिसमें हमें बॉब विश्वास की कहानी देखने को मिलेगी। कहानी फिल्म में बॉब विश्वास नाम का एक करेक्टर था, तो इस फिल्म की कहानी उसी करेक्टर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ट्रेलर और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग मुझे काफी शानदार लग रही है। ये फिल्म 3 दिसंबर को G5 पर रिलीज होगी। हमारे लाइन में एक जोक है, क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकते हैं। लव रंजन की डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। फिल्म का टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो सकती है, जिसमें श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर के अपोजिट नजर आएंगी। इस फिल्म को 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, उसी दिन जिस दिन ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर रिलीज होने वाली है। फाइटर की रिलीज डेट को पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि ये फिल्म रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी, तो अब रणबीर कपूर की ये फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो रही है। देखते हैं कि दोनों फिल्मों की बाकी अपडेट कब तक आती है। साथ ही रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग गैंगस्टर ड्रामा फिल्म एनिमल को 11 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर के साथ इस फिल्म में अनिल कपूर, बॉबी देओल और प्रीति चोपड़ा भी अहम रोल में नजर आएंगे। तो रणबीर कपूर की दो बड़ी फिल्में 2023 के लिए कंफर्म हो गई हैं। टोटल 4 फिल्में पूरी तरह से कंफर्म हैं, जिसमें शमशेरा और ब्रह्मास्त्र 2022 में रिलीज होंगी। वहीं लव रंजन की फिल्म और एनिमल को 2023 में रिलीज किया जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन फिल्म होगी, जिसे 11 नवंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को सागर आम्ब्रे और पुष्कर ओझा डायरेक्ट करेंगे। वहीं फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक भी काफी अच्छा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक एक्शन फ्रेंचाइज फिल्म होने वाली है। जी हाँ, फिल्म के बाद फ्यूचर में इसके कुछ और पार्ट भी देखने को मिलेंगे, तो ये काफी अच्छी बात है कि आजकल कई बॉलीवुड फिल्मों को फ्रेंचाइज की तरह बनाया जा रहा है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, गणपत और अब ये फिल्म योद्धा। तो अब लगता है कि बॉलीवुड काफी आगे की सोचने लगा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। काफी टाइम पहले विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म की घोषणा की थी, जिसका नाम द कश्मीर फाइल था। तो आज इस फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। इस फिल्म को अगले साल 26 जनवरी के मौके पर रिलीज किया जाएगा। अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी फिल्म में अहम रोल में नजर आएंगी। तो ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। सूर्या की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म इथारकुम थुन्नी धवन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इस फिल्म को पांडी राज ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 4 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। साथ ही नानी की मच अवेटेड फिल्म श्याम सिंह रॉय का टीजर तो आप सबने देख लिया होगा। यार, जिस तरह से टीजर को पेश किया गया है, सच में बहुत हटके है और नानी कमाल की एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। बाकी कहानी जो है वो कुछ पुनर्जन्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है। हिंदी में नहीं रिलीज होगी, क्योंकि खबर आई है कि इस फिल्म को हिंदी में रिमेक किया जाएगा। जी हाँ, और बहुत ही जल्द इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है, यानी कि फिल्म बहुत ही खास होगी। भगवान
नंबर था। किचा सुदीप की एक्शन फिल्म कोटी गोबा 3 को 23 नवंबर को Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। ये वायरस निंदा ना अदन कंट्रोल मारती। शाहिद कपूर की अपकमिंग स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जर्सी का ट्रेलर आने वाला है। जर्सी के ट्रेलर को 23 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, और ये फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होगी। फ्रेंच मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज लूपिन के तीसरे सीजन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अभी सीरीज को पेरिस में शूट किया जा रहा है। खबर आई थी कि तीसरे सीजन को 2022 में ही रिलीज किया जाएगा। देखते हैं कि फाइनल रिलीज डेट कब तक अनाउंस की जाती है। वैसे अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो आपको अभी जाके देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। अगले शुक्रवार एक हार की नीलामी होने वाली है। चुराने वाले हैं। क्लीनर बनकर जाओगे, करोड़पति बनकर आओगे। कोई सवाल? मच अवेटेड हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट एविल वेलकम टू रेकॉन सिटी, इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है। पहले ये फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को 3 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होगी। ये क्या कर रहा है? कुछ नई फिल्में और वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। कार्तिक आर्यन की एक्शन थ्रिलर फिल्म धमाका अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। आज मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस टेररिस्ट से बात करूंगा जिसने सीलिंग पर धमाका किया। एंड्रू गारफील्ड की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म टिक टिक बूम को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। मैं एक साल में 3 दोस्तों के फ्यूनरल्स पर जा चुका हूं और उनमें से एक का भी सपना पूरा नहीं हुआ था। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? Amazon प्राइम की फैंटेसी ड्रामा सीरीज दि विल ऑफ टाइम अब हिंदी में Amazon प्राइम पर आ चुकी है। अगर हमने निशाचरों को अभी नहीं रोका तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। साईफाई एक्शन सीरीज काउबॉय बिबॉप को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। देखकर लगता है तुमने कभी प्यार नहीं किया। किया था। फिर क्या हुआ? वो सिर्फ एक सपना था। और साथ ही कोरियन फैंटेसी थ्रिलर सीरीज हेलबॉन्ड भी नेटफ्लिक्स पर आ गई है। आज जो है काफी कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, तो अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर सब कुछ नया है। तो आप पहले की सीरीज या फिर मूवी को देखने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।